मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, बिल्कुल आपके जैसा। साधारण एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाला एक आम इंसान जिसकी सोच बिल्कुल आपके जैसी ही है। मेरे सपने भी बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आप देखते हैं, सोते हुए भी और जागती खुली आंखों से भी। एकेडमिक पढ़ाई करते करते ही हम लोग काफ़ी सारे सपने देखने लगते हैं अपनी जागती हुई आंखों से, और हर वक्त बस यही हमारे दिलो दिमाग में रहता है कि मुझे भी ऑफिसर बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, IPS ऑफिसर, या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर, या कोई भी ऐसी सरकारी नौकरी जो हमें हमारे समाज में एक अलग पायदान पर लाकर खड़ा कर दे, एक ऐसी पोजीशन जो हमें यह एहसास दिला दे कि मैं इस समाज में एक अच्छे ऊंचे औहदे वाला इंसान हूं और समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति मुझे भी सम्मान की दृष्टि से देखता है। और यही सब सोचते सोचते हम अपनी एकेडमिक पढ़ाई में आगे बढ़ते रहते हैं। यह सोच केवल हमारे या हमारे मस्तिष्क तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे दोस्तों या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन का एक महत्वपूर्ण विषय भी रहता है, जहां हम सब अपनी आगे की फ्यूचर स्टडी कैरियर को लेकर लगभग रोजाना ही डिस्कशन करते हैं, और लगभग सभी का एक ही लक्ष्य ही देखने में आता है। सोच तो कोई भी लेता है, पर सोच को डेवलप करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं वो बात सोच को डेवलप करने के लिए ही है। अपनी सोच को इतना ज्यादा डेवलप करो कि कोई भी चीज जो आप पाना चाहते हैं आसानी से हासिल की जा सके। आपकी सोच इतनी पावरफुल होनी चाहिए ताकि आपने जो भी कुछ सोचा और आपका पूरा मन, आपका पूरा शरीर उस सोच को साकार करने में लग जाए। सोच एक ऐसी चीज है जो चलायमान है, लेकिन गौर करने वाली बात यही है कि सोच ऐसी नहीं हो जो इधर उधर बस ख्याली पुलाव बनाकर रह जाए। उसके अंदर आपको आगे बढ़ाने का जज्बा होना चाहिए। आपकी सकारात्मक सोच की एनर्जी और पावर आपको आगे ले जा सके, और आपने जो भी फ्यूचर प्लान सोचा है आप उसे पूरा करने में लग जाएं और झट से पूरा कर भी लें। लक को लेकर हर इंसान की सोच अलग अलग होती है, वैसे ही लक के बारे में मेरा भी अपना ही विचार है। मैं तो यही मानता हूँ कि आपके साथ जो भी हो रहा है वह सब आपके किए गए कार्य यानी कि वर्क पर ही डिपेंड करता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगोगे। अच्छा कर्म अच्छा फल, बुरा कर्म बुरा फल। बट कहीं कहीं पर कुछ लोगों से यह भी सुनने को मिलता है कि सब कुछ मैंने ठीक से किया फिर भी उस काम में सफलता नहीं मिली। बट क्या वो उस पर 100% श्योर हैं? मेरा मतलब जो उस काम की डिमांड है क्या उसने उसे पूरी तरह फुलफिल किया है? हाँ, यहाँ यह बहुत जरूरी है, बिना वजह भाग्य को दोष देने का कोई औचित्य नहीं है। पहले वर्क परफेक्ट करो, भाग्य खुद ब खुद परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। अच्छा चलता